सो स्टूडेंट्स, हमारा ये लास्ट चैप्टर चल रहा था। प्रीवियस अपनी जो क्लास थी उसमें हमने इस चैप्टर के अंदर रोल ऑफ पुलिस के बारे में जाना। हम लोगों ने बात की थी बच्चों कि जो क्रिमिनल जस्टिस होता है उसमें फोर की कैरेक्टर्स या फोर की फीचर्स होते हैं, जिसमें हम लोगों ने पुलिस, इसके बाद में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जज और डिफेंस लॉयर की बात की थी। और इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम लोग एक एक करके हर एक की फीचर के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्रिमिनल जस्टिस के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन होना, हमारी नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे आसपास हमारी लाइफ से इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो कानून की, लॉ की इन्फॉर्मेशन, लॉ की नॉलेज बढ़ाने के लिए चैप्टर्स में आपकी क्लास में ऐड किया गया है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में बच्चों पढ़ा था कि रोल ऑफ द पुलिस के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जब कहीं क्राइम होता है बच्चों तो सबसे पहले पुलिस जो है वो एविडेंस खोजती है, जो विटनेस होता है उसका स्टेटमेंट लिया जाता है ना, और उसके बाद में जितने भी एविडेंस होते हैं उसको पुलिस कलेक्ट करती है और उसी के बेसिस पर एक चार्जशीट जो है वो तैयार की जाती है, जिसमें पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को गिल्टी माना जाता है, ठीक है। और चार्जशीट पेश बनाने के बाद में उसे कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ तक पुलिस का रोल होता है। इसके बाद में जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है, एक तो रहेगा रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सेकंड हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ द जज के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग बच्चों बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता कौन है। तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है, हमारे अधिकार, और इन अधिकारों की रक्षा करना, इन फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने का काम होता है स्टेट का। स्टेट मतलब हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे जो पब्लिक, हमारे जो राइट्स हैं उनको सिक्योर करे, ठीक है। अब जब कोई क्राइम होता है, कहीं पर कोई अपराध होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो वायलेट होते हैं, है ना, मतलब किसी इंसान से उसका अधिकार छीना गया है, ठीक है। और इसीलिए स्टेट की तरफ से फेवर करने के लिए जो पर्सन होता है बच्चों, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह सकते हैं बच्चों कि जिस इंसान के साथ गलत हुआ है, जिसके साथ अपराध हुआ है ना, उसको सिक्योर करने के लिए, उसके फेवर में जो बोलने के लिए जो पर्सन होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। क्योंकि जब कभी क्राइम होता है बच्चों, तो जो सेकेंड पार्टी होती है जिसके साथ गलत हुआ है, वो पर्सन की जिम्मेवारी स्टेट की होती है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वही हमें हमारे फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करवाता है और हमारे फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने की ड्यूटी भी किसकी है, गवर्नमेंट की है, स्टेट की है, है ना। तो इसीलिए एक जो थर्ड पार्टी होती है, सेकेंड पार्टी होती है, उसका जो फेवर लेने के लिए जो पर्सन होता है, जो उसकी तरफ से केस लड़ता है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, जो कहीं ना कहीं स्टेट के फेवर में बोलेगा, उस इंसान के फेवर में बोलेगा जो अपनी जगह पर सही है, उसका फेवर लेगा, ठीक है। तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। अब जानते हैं बच्चों कुछ खास बातें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, जो ड्यूटी होती है वो क्या होती है, मेन काम क्या काम करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो सबसे पहले देखें कि आपका जो टॉपिक है, सब टॉपिक जो चैप्टर में दिया हुआ है बच्चों, वो है व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या होता है? तो सबसे पहली बात जो है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। ये आपको ध्यान रखना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से बोलने वाला पर्सन होता है, जो स्टेट के फेवर में बोलेगा, ठीक है। सेकंड थिंग, द रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर बिगिंस आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन एंड द चार्जशीट फाइल बाय द पुलिस इन द कोर्ट। ये ध्यान रखेंगे बच्चों, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल कब स्टार्ट होता है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी ली थी कि सबसे पहले जब कोई क्राइम होता है तो FIR दर्ज होती है ना, और FIR के बाद में पुलिस का काम होता है, पुलिस की पहली ड्यूटी बनती है कि वो सबसे पहले एविडेंस का पता करेगी, ठीक है, विटनेस जो होगा, जिसने उस क्राइम को होते हुए देखा है, उसके स्टेटमेंट लिए जाते हैं, बाद में एविडेंस कलेक्ट करने के बाद में पुलिस एक चार्जशीट तैयार करती है, जिसमें किसी एक आदमी को अपराधी माना जाता है, गिल्टी माना जाता है, ठीक है। इस तरह से चार्जशीट पेश करने के बाद में, मतलब कोर्ट में जब पुलिस अपनी चार्जशीट रिप्रेजेंट कर देती है, फाइल कर देती है, उसके बाद का जो सारा काम है, जो प्रोसीजर है, वो
वो किसका होता है? प्रोसिक्यूटर का होता है। इसके बाद का सारा काम कौन संभालता है? प्रोसिक्यूटर संभालता है। और ध्यान रखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकार की तरफ से अपॉइंट होता है या स्टेट के फेवर में बोलेगा, वो उस पर्सन के फेवर में बोलेगा जिसके साथ कुछ गलत हुआ है। ठीक है, आगे देखें, द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। प्रोसिक्यूटर हमेशा जो भी दलील देगा, जो भी कोर्ट में जिसके सामने पेश करेगा, वो हमेशा स्टेट के फेवर में होगा, सरकार के फेवर में होता है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो सरकार की फेवर में बोलने वाला पर्सन होता है। ठीक है, इसी के अलावा देखते हैं, द प्रोसिक्यूटर हिज ड्यूटी इज टू एक्ट इंपार्शियली एंड प्रेजेंट द फुल एंड द मटेरियल फैक्ट विटनेस एविडेंस बिफोर द कोर्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी क्या होती है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है कि एक वो पार्शियलिटी ना करे। पार्शियलिटी का मतलब क्या है बच्चों? आपने कई सारी टेलीविजन पे हम लोग फिल्म्स देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, आप लोग न्यूज जो है टीवी पर वो देखते हैं, उसमें आप देखते हैं कि दो लोग होते हैं कोर्ट के अंदर जो लड़ते हैं आपस में। कौन कौन? एक तो होता है जो सच में एक्चुअल गिल्टी है, जो अपराधी है, ठीक है, और दूसरा वो होता है जिसके साथ में कुछ गलत हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में चोरी हुई है, तो दो लोग हो गए, एक कौन जो थीफ है वो, मतलब जो चोर है वो, और दूसरा कौन जिसके घर में चोरी हुई है। तो इस तरह से दो पार्टी होती है, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों में इम्पार्शियलिटी नहीं करेगा, दोनों में भेदभाव किए बिना वो क्या करेगा, वो दोनों ही पार्टी के बीच में जितने भी फुल एविडेंस मटेरियल होंगे, जो सबूत होंगे, जो फैक्ट है, जो सही चीजें जो पुलिस ने चार्जशीट में बताई है, उसको ध्यान में रखते हुए वो जज के सामने अपने केस को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब गिल्टी पर्सन या एक्सक्यूज पर्सन या फिर सामने वाली पार्टी के अंदर भेदभाव नहीं करेगा जब तक कि डिसीजन नहीं आ जाता। दोनों ही पार्टी जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए एक जैसी होती है। ठीक है, और इसके अलावा ध्यान रखें बच्चों, पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट के फेवर में तो बोलता ही है, साथ में उसका ड्यूटी होती है कि वो जज के सामने सारे फैक्ट जो है वो जज के सामने पेश करेगा, जितने भी सबूत है जिनको हम एविडेंस कहते हैं वो जज के सामने पेश करेगा, उसके ऊपर अपनी बात रखेगा। ठीक है ना, और पूरी हिस्ट्री को अपनी लैंग्वेज के अंदर जज के सामने रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो सिंपल सा आप लोगों ने प्रोसीजर कई सारी फिल्म्स के अंदर भी देखा होगा, जैसे हम लोगों को एक कह सकते हैं कि पिक्चर परफेक्ट पता चलता है कि हाँ कोर्ट के अंदर इस तरह से ये चीजें पेश की जाती है। ठीक है, तो सबूत पेश करने का काम, इसके अलावा जो दूसरे एविडेंस है, जो विटनेस है, विटनेस का जो स्टेटमेंट है उसको जज के सामने रखने का काम कौन करता है? वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक तो यह है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी। ठीक है, यहाँ तक मतलब सबूत पेश करने तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम रहता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चों, वो होता है जज का। जज वो पर्सन जो कि बिना पार्शियलिटी किए, मतलब बिना भेदभाव किए, बिना पक्ष लिए किसी का, वो अपना एक फेयर डिसीजन देता है, और वो भी किस बेस पर? विटनेस के बेस पर, जो उसने एविडेंस देखे उसके बेस पर, बिना किसी का पक्ष लिए अपनी सही चीज को देखकर जो डिसीजन लेता है, वो काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चों, वो है जज का। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि अगर जज थोड़ा भी अनफेयर अगर डिसीजन दे दे तो इससे एक इंसान की पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। कई बार हम लोग देखते भी है कि कोई इंसान जो कोई गुनाह नहीं करता है, जो कोई गिल्ट जिसने कोई गलत चीज नहीं की है, लेकिन फिर भी अगर एविडेंस उसके अगेंस्ट में होते हैं, है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो इंसान फंस जाता है उस अपराध में, उस काम के अंदर जो उसने किया ही नहीं है। इसीलिए जज की ड्यूटी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जज का फैसला ये बताएगा कि गलत कौन है, किसने अपराध किया है, क्योंकि एविडेंस जो होते हैं उसी के बेस पर जज अपना डिसीजन देता है। तो जज के हाथ में होता है फाइनल डिसीजन, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से देखा बच्चों, जैसा कि हमने पहले बात की कि जो पुलिस होती है, पुलिस का काम सब क्या होता है, एक तो एविडेंस कलेक्ट करेगी पुलिस, उसके अलावा वो जो विटनेस है जिसने उस क्राइम को होते हुए देखा है उसके स्टेटमेंट लेती है, ठीक है, और पूछताछ करती है, क्वेश्चनिंग करेगी, लोगों को बुलाएगी, उसे पूछताछ करेगी, पूछताछ के अंदर वो पता करते हैं पुलिस वाले, जो पुलिस होती है, कि हाँ एक्चुअल के अंदर लोग जो कह रहे हैं उसमें से सही फैक्ट को निकाला जाता है। उसके बाद भी पुलिस जो है वो चार्जशीट फाइल करती है जज के अंदर। ये तो हो गया पहला पोर्शन। ठीक है, सेकेंड पोर्शन आ जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो
इसका ये स्टेट के फेवर से लड़ता है और इसका काम होता है जज के सामने एविडेंस जो है वो प्रेजेंट करना और साथ में ही जो दूसरी चीजें हैं जो दूसरे फैक्ट है ना वो भी जज के सामने पेश करने का काम होता है। तो सिंपल सा कह सकते हैं कि कोर्ट के अंदर दोनों तरफ से दो लीडर होते हैं, दो एडवोकेट होते हैं, एक तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है और एक डिफेंस लॉयर होता है। दोनों ही अपनी अपनी बात जज के सामने रखते हैं। जज बड़े गौर से जो है इन लोगों की दोनों ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर की और डिफेंस लॉयर की बात सुनता है। डिफेंस लॉयर मतलब जिस आदमी को अपराधी माना गया है उसकी तरफ से भी एक वकील होता है बच्चों, एक लॉयर होता है जो अपने उस आदमी को या अपने कह सकते हैं कि उस अपराधी को बचाने के लिए भी काम करता है, ठीक है ना। तो दोनों ही अपनी बात रखते हैं, दोनों ही जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो डिफेंस लॉयर है दोनों अपनी बात जज के सामने रखते हैं। जज विटनेस देखता है, विटनेस की स्टेटमेंट देखता है, एविडेंस देखता है, दोनों लॉयर की बात सुनता है, उसके बाद में डिसीजन देता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बच्चों की जो जज होता है उसका काम किसी एक की जिंदगी को जो सही इंसान है उसको बचाने का काम जज करता है और उसके बाद में जो एक्सक्यूज पर्सन होता है, जो गिल्टी पर्सन होता है, जो अपराधी होता है, जो क्रिमिनल होता है उसको जज जेल की जो है सजा दे सकता है या फिर उसके ऊपर फाइन लगा सकता है। फाइन का मतलब जमानत है ना, और या फिर दोनों ही चीजें उस पर लगती है। तो बात करते हैं बच्चों जज के बारे में, व्हाट इज द रोल ऑफ जज। तो देखिए जज हियर्स ऑल द विटनेस एंड एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस। तो जज का काम होता है सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात सुनना और डिफेंस की बात सुनना, दोनों की ही बात सुनेगा, विटनेस देखेगा विटनेस ने क्या कहा है और इसके अलावा जो एविडेंस है जो सबूत है ना, जो फिंगरप्रिंट्स है या जैसे मैंने बताया था कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है बच्चों तो फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करती है, जहाँ पर क्राइम हुआ है वहाँ से कोई हथियार अगर बरामद हुआ है तो वो पता करेगी और भी कई सारी चीज़ें होती है, सारी चीज़ों को वो देखता है, लोगों की बातों को सुनता है, ठीक है। इसके बाद में डिसीजन देता है, द जज डिसाइड्स वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ये चीज ध्यान रखिए बच्चों कि जज डिसाइड करता है कि कोई पर्सन गिल्टी है या इनोसेंट है, गिल्टी मतलब अपराधी है या नहीं है या फिर बेकसूर है, ये दोनों चीजें जज के ऊपर डिपेंड करती है। और जज कैसे डिसाइड करता है बच्चों, तो एविडेंस के बेस पर जज ये पता करता है कि कोई पर्सन गिल्टी है या नहीं है। यहाँ पर जज का काम, जज की ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज किसी इंसान की लाइफ से जुड़ी हुई होती है। तो जज एविडेंस देखता है, विटनेस की बात सुनता है, उसके बाद में डिफेंस लॉयर की भी बात सुनेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी बात सुनेगा और फाइनली डिसाइड करता है कि कोई पर्सन गिल्टी है या नहीं है, मतलब किसी इंसान ने अपराध किया है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए इफ द एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब जिससे अपराधी माना गया है, जिसके ऊपर शक किया गया है, द एक्सक्यूज इज कन्विक्टेड देन द जज प्रोनाउंस द सेंटेंस एंड द मे सेंड टू द जेल और इम्पोज द फाइन और बोथ। और जो जब फाइनल डिसीजन हो जाता है या जब जज को लगता है कि कोई पर्सन गिल्टी है, जो एक्सक्यूज पर्सन है वो गिल्टी है, उसने अपराध किया है, तो जज क्या करेगा, या तो उसका फाइनल सेंटेंस देता है। सेंटेंस का मतलब बच्चों वो फैसला सुनाता है और फैसले में दो बातें होती है, या तो उस पर्सन को क्या होगा जेल हो जाएगी या फिर उसके ऊपर फाइन लगेगा, ठीक है, और या फिर ये भी हो सकता है कि जेल भी होगी और उसे कुछ पैसा कोर्ट के अंदर जमा भी कराना पड़ता है। तो दोनों ही चीजें होती है जो ये जज का रोल होता है। तो ये कह सकते हैं कि फाइनली डिसीजन देने का काम कि कोई पर्सन गिल्टी है या नहीं है, ये फाइनल डिसीजन जज करता है। अब बच्चों बात आती है व्हाट इज द फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या होता है, तो देखिए बच्चों कि किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले जज को कई बार सोचना पड़ता है, एविडेंस को देखना पड़ता है, विटनेस को देखना पड़ता है। और फेयर ट्रायल का मतलब होता है कि फैसले पर पहुंचने से पहले उस घटना को, उस पूरे इंसिडेंट को ढंग से देखा जाता है, जिसमें हर एक इंसान की बारी आती है, विटनेस को अपनी बात करने की बारी मिलती है, जो एक्सक्यूज पर्सन है जिसे गिल्टी माना गया है उसका लॉयर भी अपनी तरफ से काफी चीजें पेश करता है जज के सामने, है ना, अपने फेवर में बोलता है वो भी, ताकि उस गिल्टी पर्सन को वो बचा सके, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि पब्लिक कोर्ट के अंदर, ओपन कोर्ट के अंदर लोगों की भीड़ जानी जाती है, ओपन कोर्ट में जो है डिस्कशन चलता है, उसके बाद में सारी चीजों को पता किया जाता है और फाइनली फेयर जो है वो डिसीजन
कौन है। तो इस तरह से सबको एक चांस मिलता है ताकि एक सही डिसीजन हो सके, हर कोई इंसान अपनी बात कह सके। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों दो चीजें ध्यान रखना कि जब डिसाइड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस बिफोर द कोर्ट, जज कोई भी डिसीजन देने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों डिसीजन, जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं वो सबूत किस तरफ इशारा करते हैं, वो एविडेंस किसके फेवर में, ये चीज पता करता है जज सबसे पहले, है ना। तो क्या होगा बच्चों कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन के अगेंस्ट में सारे सबूत है, इसका मतलब गिल्टी कौन है जिसके अगेंस्ट में वो सारे सबूत है, तो पहला काम होता है जज का एविडेंस को ध्यान में रखते हुए डिसीजन देना। इसके अलावा देखिए बच्चों, जज रिमेन द इम्पार्शियल, ये चीज ध्यान रखें, जज जो जजमेंट देता है वो इम्पार्शियलिटी नहीं कर सकता, मतलब बिना भेदभाव किए, बिना किसी का पक्ष दिए, एविडेंस को ध्यान में रखते हुए, विटनेस को ध्यान में रखते हुए, सारी चीजों को ढंग से सुनने के बाद में किसी का फेवर लिए बिना जज डिसीजन देता है, ताकि जो गिल्टी पर्सन है उसे सजा मिल सके। ठीक है, और सजा जो है क्रिमिनल कोर्ट के अंदर बच्चों या तो जेल होती है या फिर फाइन लगता है, और दूसरी चीज ये भी है कि जेल और फाइन दोनों भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि जो क्राइम है वो कितना ज्यादा खतरनाक रहा होगा। ठीक है, और अलग अलग क्राइम के लिए अलग अलग जेल की जो कह सकते हैं कि टाइम पीरियड है वो भी डिसाइड है, अगर कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा किसी ने क्राइम कर दिया तो उसके लिए हो सकता है आप लोग सोते भी एक उम्र कैद दे देते हैं, है ना। हम लोग इसके अलावा देखते हैं जो लोग आतंकवादी होते हैं, है ना, उनको तो सीधी फांसी की सजा दी जाती है। तो इस तरह से जज का काम अपने आप में बहुत ही किसी की जान को बचाने का काम होता है, और जो मुल्जिम होता है, जो अपराधी है, उसको सजा दिलाने का काम होता है। इसलिए ध्यान रखता है जज कि किसी के साथ में इम्पार्शियलिटी ना हो, किसी के साथ में भेदभाव ना हो। तो बच्चों ये जो आपका चैप्टर था चैप्टर नंबर 6, इसके अंदर हम लोगों ने क्रिमिनल जस्टिस की बात की है। क्राइम का मतलब होता है जब कहीं पर कोई अपराध होता है, किसी की हत्या करना, चोरी डकैती अपहरण कर लेना, ये सारी चीजें क्रिमिनल के अंदर जस्टिस के अंदर आती है, और हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ा ही था, है ना। तो इसमें हम का जो 4 की फीचर्स है, जो 4 लोग हैं उनके रोल हमने पढ़े हैं। सबसे पहला रोल होता है क्रिमिनल जस्टिस में, वो होता है बच्चों पुलिस का। सेकंड रोल होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। थर्ड रोल होता है वो होता है जज का। और जो फोर्थ रोल होता है वो होता है डिफेंस लॉयर का। ये चारों लोग मिलकर क्रिमिनल जस्टिस से जुड़े हुए होते हैं, और फाइनल जो डिसीजन होता है वो जज का होता है। जज डिसाइड करता है कि कोई पर्सन गिल्टी है या नहीं है। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 6, और खूब सारी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि हमारे आसपास छोटी बड़ी कई सारी इंसिडेंट, कई सारी घटनाएं होती रहती हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। और साथ में आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 21, जो हमारी फंडामेंटल राइट है, जो जिसमें मैंने आपको 5 बातें बताई थी कि आर्टिकल नंबर 21 ये कहता है कि जब पुलिस चार्जशीट फाइल करती है तो जिस इंसान को अरेस्ट करती है उसके भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के थ्रू सेव करती है, जिसमें मैंने बताया था आपको कि कोई भी पुलिस या कोई भी पर्सन जिसे पुलिस पकड़ रही है, उससे पहले उसे उस पर्सन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा पुलिस को कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। दूसरी चीज, अरेस्ट होने के बाद 24 आवर के अंदर अंदर उस पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है उसको कोर्ट के अंदर पेश करना होता है। तीसरी चीज, कोई भी वुमन को या जो एजेस पर्सन है उनको पुलिस स्टेशन के अंदर बार बार क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया जा सकता। 15 साल या 15 ईयर से कम के बच्चों को भी पुलिस स्टेशन में क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ में जो गिल्टी पर्सन माना गया, जिसे अरेस्ट किया गया है, उसको पुलिस टॉर्चर नहीं कर सकती, उसको बीट नहीं कर सकती, उसके साथ मारपीट नहीं कर सकती, उसे शूट आउट नहीं कर सकती। तो आप जरा इमेजिन कर सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना लोगों की फंडामेंटल राइट्स के टूवर्ड अवेयर है बच्चों। तभी तो देखिए आप, एक जो क्रिमिनल है ये, है ना, उसके भी फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर किया जा रहा है, उसकी भी जान को कोई खतरा ना हो, इसलिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कई सारे कानून बनाता है। ठीक है, ताकि फाइनल डिसीजन जब तक कोर्ट नहीं दे देती तब तक उस इंसान की जान की रक्षा की जा सके। तो ये था बच्चों चैप्टर नंबर 6, और इसी आज की क्लास के साथ में ये चैप्टर होता है।
पढ़ाई खत्म, और इसी के साथ में हमारी ये क्लास भी होती है आज की यहीं पर खत्म। कल फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।